गणित का अध्यापक राकेश चौबे, बीएमएस इंटर कॉलेज रानीपुर मऊ। आप लोगों को कक्षा 12 के अवकलन वाले भाग का पाठ आपको समझाने के लिए जो है यह समय निर्धारित किया गया है। और इस पर जो है बच्चों, मैं एक सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ कि कक्षा 11 में जो आपने अवकलन का पाठ पढ़ा है उसको दोहरा लीजिएगा। और हमने प्रश्न की एक सीरीज बनाई हुई है, हर एक प्रश्न का आपको एक हल हम बताएंगे और प्रश्न सीरीज आपके मोबाइल व्हाट्सएप पे आपको जो है मिल जाएगी। तो आप इसको समझकर प्रश्न सीरीज को हल करने का प्रयास करिएगा। मैं आपको समझाने जा रहा हूं। प्रश्न ए, जैसे प्रश्न ए का फर्स्ट पार्ट है ई टू दी पावर 5x, इसका x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो इसके लिए हमने आपको बताया है कोई भी फलन हो, पहले आप मान लीजिए कि माना y बराबर ई टू दी पावर 5x। y मानने का तरीका आप लोगों को सिखाए थे हम कि y अपने दिमाग में होता है और यह फलन किसी न किसी के जो है बराबर जरूर होता है। तो आप y बराबर क्या करिए, इसको मान लीजिए। मानने के बाद आप देखेंगे कि जैसे आपको एक फार्मूला बताया गया है कि डी डी एक्स e टू दी पावर x बराबर e टू दी पावर क्या होता है, x होता है। तो यह फार्मूले का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे पहचानते हैं, यह देखिए यहां पे e तो लिखा है लेकिन यहां जो चर राशि है हमारी x, x का गुणांक एक होना चाहिए, इसकी घात भी एक होनी चाहिए, तब तो यह इसका डिफरेंशियल जो है e टू दी पावर x होगा। लेकिन जब ये अपने मानक रूप में न रहे तब उसका अवकलन कैसे करना है यह आपको सीखना है यहां पे। तो यहां पहले पहचानिए कि क्या यह फलन आपका मानक रूप में है या आपका फलन मानक रूप में नहीं है। इसको मैं आपको कैसे बताऊं कि e की जगह पे तो e है, चलिए x की घात कितनी है, एक है, लेकिन x का गुणांक एक नहीं है बल्कि क्या है, 5 है। तो इसका डिफरेंशियल जो है कैसे करना है, तो आप समझिए सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए कि क्या हमारा फंक्शन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यह आपको समझ होनी चाहिए। तो जब समझ बन जाएगी तो आप जरूर इसको कर पाइएगा। देखिए ध्यान से वीडियो, देखिए यहां चर राशि आपकी x है। आप पहले लिखेंगे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्ष कौन से हैं बच्चों, ये देखिए बीच में बराबर है, ये आपका बायां पक्ष हुआ और ये क्या हुआ, दाहिना पक्ष, अर्थात ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ, ये क्या है, राइट हैंड साइड। आपको अवकल गुणांक दोनों तरफ लिख देना है डी बाई डी एक्स। तो यहां जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी डी एक्स e टू दी पावर 5x, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स e टू दी पावर 5x। अब इसको डिफरेंशियल करना है तो पहले आपको इसको समझिए कि यह जो आपका 5x है इसको x ही समझिए। तो अगर यह x है तो इसका जो फार्मूला कहता है कि e टू दी पावर x का डिफरेंशियल e टू दी पावर x होगा, तो इसका भी वही चीज होगी। देखिए e टू दी पावर 5x, किंतु
पहली स्पीच में हमने आपको बताया है कि यह अपने मानक रूप में नहीं है। तो जब यह मानक रूप में नहीं है तो इस पूरी चीज को एक बार यहां जो है मल्टीप्लाई करके पुनः डिफरेंशियल करेंगे। डी डी एक्स आप किसका करेंगे बच्चों? फाइव एक्स का। फाइव एक्स का करने जा रहे हैं आप, तो इसको सेम अपने स्थान पे ही जो है यह बना रहेगा। इसमें पांच अचर पद है तो पांच जो है गुणे के रूप में हो जाएगा। डी डी एक्स का कनेक्टिंग किससे होगा? चर राशि x से। डी डी एक्स आप x, और आप जानते हैं कि x का x के सापेक्ष डिफरेंशियल कितना होता है? एक होता है। आप इस पूरे की जगह पे डी डी एक्स आप x की जगह पे आप क्या रख सकते हैं? e टू द पावर 5x इनटू 5 और इसकी जगह क्या होगा? a। अतः यह आपका डिफरेंशियल कंप्लीट हुआ। 5 को पहले भी लिख सकते हैं 5 गुणे e टू द पावर 5x, यह आपका आंसर हो गया। इसी तरह से प्रश्न सीरीज में आपको 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इस तरीके से हल करेंगे तो पहला प्रश्न आपका आसानी से हल हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम बी पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी के लिए जो है देखिए, बी हमारा जो प्रश्न है ई टू द पावर साइन एक्स, ई टू द पावर साइन एक्स। तो यहां आप वही तरीका अपनाएंगे कि माना y बराबर e टू दी पावर साइन x, पुनः आप लिखेंगे यहां पे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक उसी तरह से डी डी एक्स ऑफ y बराबर डी डी एक्स ऑफ क्या है? e टू दी पावर साइन x। तो यहां वही फार्मूला हो गया, डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x बराबर e टू दी पावर x, लेकिन ये अपने मानक रूप में नहीं है क्योंकि यहां चर राशि x की जगह पे साइन भी है। तो आप इसको सेम e टू दी पावर क्या लिख सकते हैं? साइन x। और इसमें जो है मानक रूप को जो है कि परिवर्तित करने वाली यह पूरी राशि आपको क्या दिखाई दे रही है? साइन x। इसका गुणे करके एक बार साइन x का फिर क्या करेंगे? डिफरेंशियल करेंगे, e को छोड़ देंगे, यहां ध्यान दीजिएगा e को छोड़ देंगे। तो आपको फार्मूला याद करने के लिए दिया गया था साइन x का, आप जानते हैं डिफरेंशियल x के सापेक्ष क्या होता है? cos x। तो यह आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं, गुणा में क्रम भिन्न में नियम का पालन होता है, cos x into e to the power sin x। वैसे यहां भी छोड़ देंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन चीजों को सजा के रखने से सुंदरता और बढ़ जाती है। यह आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप प्रॉब्लम जो क्वेश्चन नंबर बी है उसके प्रॉब्लम को आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी है। सी में हम आते हैं, साइन एक्स क्यूब, तो हम उसी तरह से उसको मान लेंगे। यह प्रश्न आपका सी है। माना वाई बराबर साइन एक्स क्यूब, अब इसके मानक रूप को पहचानिए। आपको फार्मूला क्या पढ़ाया गया है? डी डी एक्स आप साइन एक्स, क्या यह अपने मानक रूप में है? यह अपने मानक रूप में नहीं है। कैसे नहीं है? कि यहाँ x की जो है गुणांक कितना होना चाहिए? एक, और घात भी कितनी होनी चाहिए? एक। यहाँ x का गुणांक तो एक है लेकिन x की घात एक नहीं बल्कि तीन है। तो चलिए ठीक है, और यह अपने मानक रूप में नहीं है, पहचान गए। इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे? बहुत आसान है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यह चीजें याद हो जाएंगी आपको, अवकलन करने पर। आप तो समझ गए होंगे कि y की जगह जब डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा?
डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ क्या होगा साइन एक्स क्यूब। अब देखिए साइन एक्स का क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स होता है, तो अब एक्स क्यूब को एक्स ही समझिए जो चीज है। देखिए यहां पे कह रहा है कि डी डी एक्स यहां साइन फॉर्मूला कर रहा है साइन एक्स, तो कह रहा है कि जो साइन की जगह पे क्या लिखिए कॉस, और साइन के सामने जो लिखा है उसको सेम कॉस के सामने लिखिए। तो ठीक उसी तरह से आप यहां समझेंगे कि हम साइन की जगह पे क्या लिखेंगे कॉस, और साइन के ठीक सामने क्या लिखा है एक्स क्यूब, तो उसको एक्स क्यूब पर लिख देंगे। लेकिन आपका मन पहले ही कह चुका है कि यह अपने मानक रूप में नहीं है, इसके लिए आप तुरंत यहां मल्टीप्लाई करके एक बार जो मानक स्वरूप में परिवर्तन करने वाली राशि है उसका आप डिफरेंशिएट करेंगे, किसको छोड़ेंगे साइन को छोड़ देंगे, आप किसका डिफरेंशिएट करेंगे एक्स घाते तीन का। इसका फार्मूला किसकी तरफ लेके जा रहा है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन बराबर एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तो यह आपका हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब इंटू यहाँ एन की जगह बच चुका है तीन और एक्स की घात वही लिखेंगे। देखिए यहाँ एन उतारे हैं और एन को लिखे हैं लेकिन इसमें से एक हम क्या करेंगे घटाएंगे सूत्र के हिसाब से, तो कॉस एक्स क्यूब इंटू थ्री, अब तीन में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दो। इस तरह से इसको व्यवस्थित करके आप लिख सकते हैं कि थ्री एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब, यह आपका आंसर हो गया।